भारतीय संसद जहां जनता के सारे चुने हुए प्रतिनिधि देश की भलाई और विकास के लिए योजनाएं और कानून बनाते हैं, वर्तमान में यहां मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में विराजमान है और कांग्रेस मोदी विरोधी दलों से गठजोड़ कर सत्ता में काबिज होने के सपने देख रही है। कुछ भाजपा नेताओं का मोदी विरोध करने पर और कुछ भाजपा सहयोगियों का एनडीए से नाता तोड़ने पर विपक्ष को ये लगने लगा कि शायद मोदी बिना बहुमत के ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो सारे मोदी विरोधी मोदी के खिलाफ वोट करेंगे, पर नतीजा सीधा इसके उल्टा हुआ। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया है। सरकार को 325 वोट मिले, वहीं विपक्ष के खाते में सिर्फ 126 वोट आए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष की हालत एकदम खराब दिखी। अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद हुए मत विभाजन में 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 18 सांसदों वाली शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो बीजेडी ने भी सांसद से वॉकआउट कर दिया। मतलब साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के कई दलों ने गंभीरता से नहीं लिया। कुल मिलाकर ये विपक्ष की करारी हार है। अविश्वास प्रस्ताव पर जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, एनडीए को लोकसभा और भारत के 125 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल है। मैं उन सभी दलों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें समर्थन दिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट कर सरकार का समर्थन करने वाले सभी दलों और सांसदों का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को ही भारी पड़ गया। दरअसल ये सरकार का ही नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट था। विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले ये देखना चाह रही थी कि महागठबंधन में कितना दम है। मोदी ने भी विपक्ष के इस प्रस्ताव पर हमला बोला और कहा कि कईयों के मन में ये प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया। ना तो संख्या है ना सदन में बहुमत है, फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया। मोदी ने कांग्रेस पर अपने स्वार्थ के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके बहाने ये देखना चाहती थी कि उसके साथ कौन-कौन साथी हैं और कौन नहीं है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, वहीं जनता के मन में गठबंधन को लेकर गलत संदेश जाएगा। विपक्ष जिस दांव पर मोदी सरकार को घेरना चाह रही थी, मोदी की चतुराई से खुद को ही अपने दांव में फंस गया है विपक्ष। थैंक यू सो मच।